और फिर किसी की भाई के लाल के मतलब हिम्मत नहीं है कोई हमारे समाज की बहन बेटी के ऊपर, हमारे ऐसे यूनिवर्सिटी में जैसे ऋतु के साथ किया है, किसी VC की क्या किसी की औकात नहीं होगी कि कोई हमारे समाज की बहन बेटी हमारे आदमी को मतलब हाथ मिलाकर दिखा दे। उत्तर प्रदेश इसका एग्जाम्पल है। हाथी खड़ा है 543 सीट पे और एक नेता गर्व है, एक दलित की बेटी, एक बहन कुमारी मायावती ना बीजेपी से डरती है और ना मोदी से डरती है। हम आपको कह चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस और ये सारी पार्टी मनुवादी है और इन लोगों ने कभी दलित राजनीति को खत्म करने का बीड़ा उठाया। इसकी पार्लियामेंट पे कब्जा करो जब सत्ता हमारे हाथ में होगी। इनके कोई ठेकेदार नहीं है, हम अपनी विचारधारा के मालिक हैं। अगर हमें 30 सीट मिल गई या हमें 35 सीट मिल गई तो 500 सीटों पर तो हाथी खत्म। मेरे साथ है दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी सतीश जी। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज का जो डॉक्टर ऋतु के पक्ष में BSP के लोग आए हैं, दिल्ली प्रदेश के लोग आए हैं, क्या आपको ये लगता है कि उन्हें न्याय मिल पाएगा? आज हम लोग, कल आपने देखा होगा माने आकाश आनंद जी जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जी, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया था और हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या देश की सभी यूनिवर्सिटी में RSS के लोगों ने अपने लोगों को बैठा दिया है जी, और वो लोग वहाँ पर चाहे प्रोफेसर की नियुक्ति का मामला हो, चाहे जो हमारे प्रोफेसर हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कभी IIT में आपने देखा होगा खाली एक बच्चे ने सुसाइड किया है, तो इस तरह से RSS के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने अपने लोग बैठा दिए हैं और वो चुन चुन के जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको, उनके ऊपर नया इत्तेजार जैसे भी हो सकता है हर हथकंडा अपना कर उनको दबाने का, उनकी आवाज़ को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के लोगों ये बात समझनी होगी कि जो भी मुकदमा हुआ, जो भी FIR लिखी गई, वो भी कोर्ट के माध्यम से लिखी गई और जब जुडिशरी में भी सब आप पता है कि सब उनका कब्जा है, तो बिना SC ST Act में गिरफ्तारी होती है, बिना गिरफ्तारी के उनको बेल दे दी गई जिसके विरोध में ये धरना दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जो भी हमारे वकील से हैं, जो भी संवैधानिक संविधान के हिसाब से जो मामला बैठता है, या तो LG के यहाँ पर या सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठनी चाहिए, या जो वकालत के माध्यम से जो बात उठनी चाहिए वो हमारी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और इससे धरना तुम 10 दिन दो, 20 दिन दो, किसानों ने 7 महीने दिया, उन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं भी यही पूछने वाला था, क्या जब कोर्ट में केस चल रहा है तो क्या धरने से आप लोगों को कुछ फ़ायदा होगा? हम ये बोले, हम मॉरल सपोर्ट के लिए आए हैं। लोग ये बोलते थे कि BSP के लोग बाहर नहीं निकलते, रोड पर नहीं निकलते, समर्थन नहीं देते, है ना? तो आज हम ये लोग, जो लोग जितने सामाजिक संगठन के लोग हैं, आज पूरा दिल्ली प्रदेश यहाँ पर आया है, हम लोग बताएं कि हम आपके साथ मॉरल रूप से हम लोग खड़े हैं, जो भी हम आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम देने के तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा रास्ता है देश की पार्लियामेंट पे कब्जा करो, जब सत्ता हमारे हाथ में होगी तो VC हमारे होंगे, चांसलर हमारे होंगे, DC हमारे होंगे, मजिस्ट्रेट हमारे होंगे, चीफ जस्टिस हमारे होंगे, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कोई आपके ऊपर अन्याय अत्याचार कर सके। सर आपके हाथ में सत्ता कैसे आएगी? दिल्ली में आप 0 रहे, UP में 1 हुआ, राजस्थान पकड़ नहीं पाए, भोपाल छू नहीं पाए, और अब 2024 का भी इलेक्शन आ रहा है, वो कहां तक पहुंचेगा? सत्ता कहां है सर आपके पास? ये इलेक्शन के मुद्दे की बात नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे समाज के अनुयायियों, मैं इस कारमा को, अनेकों मुसीबत और विरोधियों का मुकाबला करके लाया हूँ, और मेरे अनुयायी से आगे ना ले जा सके तो कृपया यहीं छोड़ देना। और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी और विचारधारा को लेकर इस देश में माने बहन जी के नेतृत्व में चल रही है। ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये कोई एक आदमी की पार्टी नहीं है, महापुरुषों का आंदोलन है। ये राजनीति बाद में है और ये सामाजिक आंदोलन ये पहले। सर राजनीतिक नहीं रहे, राजनीति नहीं रहेगी तो सामाजिक आंदोलन कैसे चलाओगे आप? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज कभी कामयाब राजनीति वो मतलब नहीं कर सकता। जब वोट हमारी 100 में से 85 है, तो ये जो BSP को आप लोग बार बार बोलते हैं कि BSP की 1-4 आई, अरे BJP को रोकने के लिए बहन जी ने 2-2 बार मतलब राजस्थान में सरकार बनवाई, कांग्रेस की बनवाई कि नहीं बनवाई, दोनों बार गहलोत ने हमारे लोगों को। अपनी क्यों नहीं बनाते हो सरकार? जब हमारे पास अभी बैलेंस ऑफ पावर आती है तो हम लोग BJP को रोकने का काम करते हैं। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस चाहती है BJP, कांग्रेस एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, वो चाहती है BSP को खा जाओ, और मतलब गहलोत ने BSP को खाने काम किया, कमलनाथ की सरकार बनवाई उसने हमारी सरकार को वो खाने काम किया,
तो आज जो ये लोग चाहते हैं, हम तो लगे हुए हैं बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे, हमें तो पता है जब बाबा साहब ने उंगली का इशारा करके बोला है कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, जब बाबा साहब ने छोड़ा था मतलब RBI बना के ये हाथी निशान है, ये मतलब बाबा साहब का है। तो ये राजनीति में उतार चढ़ाव आता जाता रहता है, ये तो मेरी भी एक वोट है, आपकी भी एक वोट है, ये तो समाज को तय करना है, ये तो बहुजन समाज को तय करना है कि हमें मतलब हमें हिंदूवादी विचारधारा के लिए सपोर्ट करना है या हमें अंबेडकरवादी विचारधारा को सपोर्ट। पर हिंदूवादी विचारधारा 2024 में अगर लागू हो गई और संविधान इन्होंने हटा दिया तो फिर क्या करोगे, संविधान कैसे बचाओगे सर आप? समाज इस बात को देख रहा है, देश के लोग इस बात को देख रहे हैं, कोई मतलब महंगाई का मुद्दा नहीं है, कोई मतलब बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, और हर जगह बस ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ये लोग कर रहे हैं, देश की जनता को समझ में आ रहा है और ये लोग अब कानून लेकर आ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब। बहन जी गठबंधन में क्यों नहीं जा रही या उन्हें लिया नहीं जा रहा? बहन जी गठबंधन में जाके करेंगे क्या जी? और हमें गठबंधन से फायदा है क्या? ये हम अगर गठबंधन में जाएंगे तो हम इनके मनोवादियों के हाथ हम लोग मजबूत करेंगे। मैंने कहा कांग्रेस साबनाथ है। पर सर आप गठबंधन में ना जा करके BJP के भी तो हाथ मजबूत कर रहे हैं। हम इनके कोई ठेकेदार नहीं है, हम अपनी विचारधारा के मालिक हैं। अगर हमें 30 सीट मिल गई या हमें 35 सीट मिल गई तो 500 सीटों पर तो हाथी खत्म। सर पिछली बार 10 सीटें आई थी, आप 30-35 में कहां पहुंच जाओगे? अरे सर आप पहले मेरी बात को पूरा आने दो। अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में जाती है और 30 या 40 सीट पर लड़ती है तो 500 सीट पर तो हाथी लड़ेगा नहीं? तो जब बहुजन समाज पार्टी आज वोट के आधार पर देश की तीसरे नंबर की पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी का हाथी तो गया, हमारे 10-20 MP जीत गए मान लो 30 में से। लेकिन जहाँ पे पूरे देश के अंदर आज भी पूरे देश में अगर BSP राष्ट्रीय पार्टी है तो इसलिए कि 4 स्टेट में 6% वोट होना चाहिए। सर प्रधानमंत्री बहन जी के लिए आप वो करो ना कि हम लोग तब आएंगे जब आप प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाएंगे। हम आपको कह चुके हैं BJP और कांग्रेस और ये सारी पार्टी मनुवादी है और इन लोगों ने कभी दलित राजनीति को खत्म करने का बीड़ा उठाया, ये सब मिली भगत है कि एक BJP के पीछे आ जाए और एक कांग्रेस के पीछे आए। लेकिन धन्य बहन कुमारी मायावती जी वो बाबा साहब की विचारधारा के साथ और सत्ता में आने के लिए वो समझौता नहीं करेंगी। आज भी शेरनी की तरह वो कहती है हार जाए, वो चाहे हार जीत का मतलब नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी जिंदा रहनी चाहिए, 543 सीट पे हाथी जिंदा रहना चाहिए। पर अगर नहीं जीते तो ये जो बहुजन समाज है ये तो मार खाता रहेगा, पिटता रहेगा, इनका शोषण होता रहिएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं इसको लाने के लिए? फिर हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग 543 सीट पे लड़ेंगे और जो बहुजन समाज मर रहा है पिट रहा है बूथ के नाम पे घोड़े के नाम पे, वोट तो उनका ज्यादा है ना। सीट कितनी ला रहे हो 543 में से? सीट लाने का मतलब जो बहुजन समाज जो 85% लोग है और सर समाज के वो लोग जो मानवता इंसान पे विश्वास रखते वो लोग BSP को वोट दे। 85% सिर्फ कहने के हैं, अब तो सिर्फ 5% ही रह गए हो आप लोग। तो फिर लोगों को तय करना है ना, ये समाज को तय करना है, ये मतलब वोटर को तय करना है। जो भी बच्चा इस देश में पैदा है और वो बालिग हो चुका है उसका वोट का अधिकार है। बहुजन समाज के बहुत सारे SC ST और जो 6,043,000 जातियां जो हैं, 6,543,000 जातियां जो हैं वो हिंदुत्व पे जा रही हैं, तो आप हिंदू का नारा लगा के क्यों नहीं जीत रहे हो? क्योंकि राजनीतिक पार्टी तो सामदंड भेद पे चल। मैंने आपको बताया ना, हम लोग वो मतलब ढकोल से बात नहीं है, BSP की राजनीति सबसे अलग है, राजनीति बाद में, पहले सामाजिक आंदोलन है हमारे महापुरुषों का 108 वर्षों का। हम अपनी विचारधारा के लिए इस देश के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं कि कितने लोग बाबा साहब की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। काशीराम साहब की डेथ के बाद एक बार बहन कुमारी मायावती जी फुल बहुमत से आई थी, उसके बाद आज तक नहीं आई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या काशीराम साहब की जरूरत है आज भी? बहन जी पूर्ण बहुमत से आई थी, उसके बाद जो चुनाव हुआ तो जितने वोट से पूर्ण बहुमत से आई थी 26.5 लाख वोट ज़्यादा पड़ा, लेकिन क्या हुआ कि BSP को रोको, या तो BJP की जमानत जब्त हुई और वहाँ साइकिल जीती, या साइकिल की जमानत हुई वो BJP जीती। पूरे देश में देख लो, जब बहन जी की सरकार गई, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो BSP 20 सीट जीती, 55 सीट पे BSP लोकसभा में, BSP तीसरे नंबर पे थी, 35 सीटों पे दूसरे नंबर पे थी। हर आदमी बहन जी को रोको, बहन जी को रोको। आप कौन से नंबर पे रहेंगे या जमानत पे रहोगे? जमानत जब्ते हो जाएंगी सब। आप इस बात को छोड़ो, हाथी खड़ा है 543 सीट पे और एक नेता गर्व है, एक दलित की बेटी, एक बहन कुमारी मायावती ना BJP से डरती है और ना मोदी से डरती है। अगर ये सारे डरते हैं तो बहन जी से डरते हैं, और बहन जी में वो ताकत है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी पार्टी है, हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हमने ठेका नहीं उठा रखा BJP कांग्रेस का, हम लोग बाबा साहब का झंडा ऊपर करके, बाबा साहब के हाथी को लेकर हम अपनी पार्टी के, हम देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। हम मान लेते हैं देश की तीसरी नंबर की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी के पास
कुछ सीटें आ भी गई और वो अब अपनी सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बहन जी को बनाने के लिए आप किससे गठबंधन करेंगे? बीजेपी से करेंगे, कांग्रेस से करेंगे? हम पहले बात, हम लोग चुनाव पूर्व कोई गठबंधन बीजेपी से आज तक किया नहीं है। हम सवारी लेते हैं, हम सवारी देते नहीं है। हम अगले चुनाव लड़ेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा और जो हमें बनाएगा हम उसका समर्थन लेंगे। SC ST से कोई भी आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना, क्या इस बार बहन जी का है? आपका सवाल भी आपका जवाब है। हमने कांग्रेस को हमारे समाज ने वोट दिया, कभी कोई SC का चीफ मिनिस्टर बना? पहली बार देश के अंदर बना और वो भी एक दलित महिला बनी, तो BSP से बनी। साहब कहते हैं झंडा होगा, तुम कह रहे हो कि दलित प्रधानमंत्री ने बना, अरे दलित चीफ मिनिस्टर भी चार BSP ने बनाया ना। उसके बाद लगे कांग्रेस के लोग 3 महीने का, ये महीने का वो गुमराह करने के लिए। तो जब पहला चीफ मिनिस्टर BSP ने दिया तो पहला दलित प्रधानमंत्री भी BSP देगी, जब भी देगी इस देश के। एक लास्ट सवाल है, आने वाले चुनाव में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम जनता को ये कहना चाहेंगे कि आपकी नेता खड़ी है, हम लोग इनसे लोहा लेंगे और वोट आपका 100 में से 85 है, 100 में से 90। तो जितने बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, अन्याय अत्याचार से परेशान है, जुर्म जाति से परेशान है, चाहे मूछ के नाम पे, चाहे घोड़ी के नाम पर, चाहे हमारी बहन बेटों का बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पूरे देश के बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो और हाथी आपको 543 सीट पर मिलेगा। हाथी को वोट दे, अपने MP को जिताए, इस देश की सत्ता पर काबिज करें। जो बाबा साहब ने कहा है कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर इमेंसिपेशन, के सत्ता के इस मंदिर पर कब्जा करना है अपनी मुक्ति चाहते हो तो। और जब हमारी बहन प्रधानमंत्री बन जाएगी, इस देश का सिस्टम हम लोग बदल देंगे। जैसे हमने उत्तर प्रदेश को अंबेडकर में बोध में बनाया था, वैसे ही हम लोग इस देश को बोध में अंबेडकरवादी हम इस देश को बनाएंगे। अपने महापुरुषों को हम लोग उसकी विचारधारा को बनाएंगे, मान सम्मान देंगे और फिर किसी की बाइक खिला के हिम्मत नहीं है कोई हमारे समाज की बहन बेटी के ऊपर। हमारे ऐसे यूनिवर्सिटी में जैसे ऋतु के साथ किया, किसी VC की क्या किसी की औकात नहीं होगी कि कोई हमारे समाज की बहन बेटी हमारे आदमी को हाथ मिलाकर दिखा दे। उत्तर प्रदेश इसका एग्जाम्पल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।